बताते हैं 5 जगहों पर ईवीएम खराब हुई है। बूथ नंबर 21, 29, 33, 137 और 322 पर ईवीएम खराबी की खबर सामने आई। ईवीएम खराब होने से मतदान रुक गया है फिलहाल के लिए और ईवीएम ठीक होने का इंतजार किया जा रहा है। तो ये 5 बूथ महाराजगंज के जहां पर ईवीएम खराबी की खबर सामने आई है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं महाराजगंज से, जहां पर ईवीएम खराब होने से मतदान रुका हुआ है, वोटिंग प्रभावित हुई है, फिलहाल के लिए वोटिंग नहीं हो पा रही है और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच खबर ईवीएम खराबी से जुड़ी हुई। आशीष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, क्या है लेटेस्ट अपडेट, क्या कहा जा रहा है, कब तक ठीक हो जाएगी ईवीएम महाराजगंज में? देखिए, कुछ जगहों पे इंजीनियर्स पहुंचे हैं, कुछ जगहों पे ठीक भी कर लिया गया है, कुछ जगहों पे ठीक करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट के पास अतिरिक्त मशीनें भी रखी गई हैं और उनके जगह पर पहुंचा करके वहां सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था की जा रही है। कुछ जगहों लेकिन जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ठीक करके मतदान सुचारू रूप से चालू कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका आशीष। और इसी बीच एक और बड़ी खबर घोसी से, जहां पर बूथ नंबर 21 पर ईवीएम खराब हुई है। मोहम्मदाबाद सिपाह में ईवीएम खराबी की खबर सामने आई है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं अलग अलग जगहों पर जहां पर ईवीएम खराब हुई है, मशीन में खराबी आने की वजह से मतदान प्रभावित हुआ, मतदान रुका हुआ है और कहा जा रहा है थोड़ी देर में दोबारा से वोटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन लोग क्योंकि मतदान केंद्र पर पहुंच गए हैं तो ऐसे में मतदान केंद्र के बाहर ही लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है ईवीएम खराबी की वजह से। और गाजीपुर से अगली खबर, जहां पर एसपी उम्मीदवार अफजाल अंसारी ने लोगों से वोट डालने की अपील की है और कहा है भीषण गर्मी के बावजूद लोग मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए आ गए। यहाँ जो मतदान चल रहा है आखिरी फेज में और ऐसे में अफजाल साहब हमारे साथ हैं। सर, पहले दिखाइए स्याही, आप लोगों को दिखाइए और अपनी खुशी बताइए। नहीं, भारत के हर नागरिक को सर अपने अधिकार का प्रयोग करके उतनी ही खुशी होनी चाहिए जितना मुझे है। मुझे गर्व है सर, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत के हर बालिग नागरिक को वोट कास्ट करने का अधिकार है। आज अंतिम चरण का जो मतदान हो रहा, बेहद गर्मी है, बहुत कष्ट होगा हमारी महिलाओं को, खास तौर से गर्भवती महिलाओं को, हमारे बुजुर्गों को, लेकिन चुनाव आयोग का इंतजाम करने वाले मालिकों को इसका एहसास हो। देखिए कितने आज मतदान कर्मी इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, कितने मतदाताओं के ऊपर क्या बीतती है, लेकिन लोकतंत्र के लिए हर त्याग हर कुर्बानी देने के लिए जनता तैयार है। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने दावा किया है कि एनडीए यूपी में सभी 80 सीटें जीतेगी और देश भर में 400 का आंकड़ा पार करेगी। तो सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल इस वक्त अपना वोट कास्ट करने जीआईसी पहुंचे हैं, हम बात भी कर लेते हैं। मंत्री जी, आज वोट करने आप पहुंचे हैं ढोल नगाड़ों के साथ, पहले तो ये जानूंगा ढोल नगाड़ों के साथ वोट करने के पहुंचे। सभी को मतदान करना चाहिए, लोकतंत्र का महोत्सव है और इस कारण से हम सब अपने कॉलोनी के बस्ती के मोहल्ले के लोगों लेकर के एक महोत्सव के रूप में यहाँ पर आए हैं, ताकि जो लोग भी घर में भी हैं वह ढोल गाड़ा सुन करके घर से बाहर निकले मतदान करें। किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं आप? विकास के, देश के सम्मान पर, जो विकास गति उस पर। जी जी, तो आपको लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष के तमाम सारे दावे हैं, अब ये अंतिम फेज का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की जो 13 लोकसभा सीटें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आप 13 के 13 पाने जा रहे हैं, यूपी में 80-80 पाने जा रहे हैं। जी जी, और काशी में 10 लाख के पार होने जा रहा है, सर उत्तरी विधानसभा के अंदर 2 लाख के पार होने जा रहा है, और देश में अगर हम बात करें तो क्या लगता है कितने 400 के पार होने जा रहा है। तो हमारे साथ सौरभ दुबे जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा अवनीश त्यागी भी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। गेस्ट का रुख करते हैं। अवनीश जी, आपके पास आते हुए, भले ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से 80 की 80 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा हो,
आज की जो 13 सीटें हैं उसे लेकर जरा बताइएगा, कहां कहां पर चुनौती लगती है भारतीय जनता पार्टी को अवनीश जी? देखिए, चुनौती को भारतीय जनता पार्टी स्वीकारती और चुनौती को नकारती नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आदत होती है जनता के बीच रहने की, जनता की समस्याओं को सुनने की और उनका निदान करने की। भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी नेतृत्व यही सिखाता है, यही करता है। वो 2400 घंटे, 700 दिन और पूरे वर्ष यही काम करता है कि वो चुनौती को स्वीकार करे, जनता के बीच जाए, उनका सहे और उनके जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने में खरा उतरे। तो इसमें हम खरे उतरते हैं, जनता भरोसा जता रही है। जनता 2014 से जिस तरह से राजनीति का परिदृश्य बदला है, राजनीति का तौर तरीका बदला है, उसका आनंद ले रही है। अब जातिवादी, तोड़फोड़ करने वाले, हल्ला बोलने वाले, परिवारवाद फैलाने वाले और भ्रम फैलाकर माहौल खराब करने वाले, जनता को डराकर वोट बैंक का इस्तेमाल करने वाले लोगों को लगातार जनता आईना दिखा रही है, उन्हें सत्ता से दूर कर रही है। और कई पार्टियां, मैं खासतौर से जो मुख्य जो विपक्षी दल का इंडी गठबंधन बन चुका है, उसकी दोनों पार्टियां जो उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं, वो 2014 से आज तक कोई चुनाव नहीं जीत पाई, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायतों का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, विधान परिषद का चुनाव हो। वो इसलिए नहीं जीत पा रही कि उत्तर प्रदेश की महान जनता अब वो नए राजनीति का मजा ले रही है, जो विकास विश्वास और आशावाद की। अच्छा, देवरिया सीट की अगर हम बात करें अवनीश जी, बातें ये चल रही है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद का टिकट काटना कहीं बीजेपी को भारी ना पड़ जाए, आप क्या कहेंगे इस पर अवनीश जी? देखिए, भारी नहीं पड़ना, लोग वोट दे रहे हैं मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, लोग वोट दे रहे हैं विश्वास की राजनीति को पक्का करने। लेकिन मौजूदा सांसद का जब टिकट काटा जाता है, कहीं तो आपको भी लगता होगा कि उम्मीदवार में कमी है या फिर मौजूदा सांसद में कमी है, काम नहीं हो पाया, विकास नहीं हो पाया, इसलिए चेहरा बदल दिया गया? नहीं, ये राजनीति में पार्टी की रणनीति होती है कि किसको कहां काम करना है, किसको सांसद बनाना है, किसको विधायक बनाना है, किससे क्या लेना है, किससे संगठन का काम लेना है, किससे टीवी बैठाना है, ये पार्टी का रणनीतिक फैसला होता है, इसमें कोई अपेक्षा नहीं होती। काम तो केवल सरकार करती है, काम पार्टी के नेतृत्व की इच्छा शक्ति करती है और नेतृत्व की इच्छा शक्ति करती है, अब वो काम कर रही है, जनता पे भरोसे पे खड़ा होता रही है और जनता का विश्वास जीत रही है। अच्छा, गाजीपुर को लेकर कहा जा रहा है, गाजीपुर को लेकर ये कहा जा रहा है कि अफजाल अंसारी को सहानुभूति वोट, सिंपैथी वोट जो होता है वो मिल सकता है, क्योंकि मुख्तार अंसारी की हाल ही में मृत्यु हुई जिस तरह से, तो क्या आप भी समझते हैं गाजीपुर में भी चुनौती है बीजेपी के लिए? नहीं, गाजीपुर की जनता तो एक अभूतपूर्व संदेश देने जा रही है, आप देखना नतीजे आएंगे। चार बार माफियाओं के प्रति सहानुभूति जताने वाले जो राजनीतिक दल थे उनको भी जनता खारिज कर रही है। अब माफियावाद की राजनीति करने वाले, दबंगई दिखाने वाले, गुंडई दिखाने वाले और जनता के बीच फैक्ट पैदा करने वाले लोगों को जनता नकार रही है, ऐसे नेताओं को नकार रही है, ऐसे राजनीतिक दलों को नकार रही है, उसका असर गाजीपुर में भी दिखेगा। आप देखिए कि गाजीपुर की जनता विकास को तरस रही थी, जो 5 सालों से जिस तरह से वहां हालात पैदा हो गए थे, दहशत का माहौल बन गया था, अब विकास की धारा में फिर से जुड़ने जा रही है और गाजीपुर की जनता अभूतपूर्व संदेश देगी और वो संदेश होगा देश के हित में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के हित में और जनता गाजीपुर की जनता के हित। ठीक है, चलिए एक एक सीट पर, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ आपसे, मैं घोसी को लेकर भी रिएक्शन लूंगी कि क्या घोसी सीट भी भारतीय जनता पार्टी को लग रही है कि एक चुनौती है यहाँ पर। उससे पहले सौरभ दुबे जी के पास चलते हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सौरभ दुबे जी, इस बार के चुनावों में आप क्या अलग देख रहे हैं पहले के चुनावों से और इस बार के चुनावों में? दावे तो दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, जीत के दावे किए जाते हैं, वादे भी किए जाते हैं ताकि जीत हो, आप क्या समझ रहे हैं इस बार कैसे अलग है इस बार का लोकसभा चुनाव? देखिए, इस बार का लोकसभा चुनाव जो है वो अलग है इस प्रकार से कि जो विपक्ष है वो विपक्ष कहीं पर भी एकजुट नहीं दिखाई दिया, विपक्ष के पास नीतियों की बहुत कमी रही। 2019 में तो पहले से, सौरभ जी, वो तो पहले से नहीं, 19 में अच्छा चुनाव लड़ा था विपक्ष ने। अच्छा, पिछली बार एकजुट था 19 के चुनाव में जो विपक्ष था, देखिए सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, ठीक है, और वो मजबूती के साथ चुनाव लड़े थे। देखिए, हारना जीतना एक अलग विषय होता है, प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से, योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से जनता के बीच में है, चुनाव रैलियों में बात कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाकर के अपनी योजनाओं को बता रहे हैं, उसी से आपको वोट मिलता है, लेकिन वो इस बार दिखाई नहीं पड़ रहा ना।
टीवियों पर तो आकर के कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि भैया हम लोग इस बार पूरी पूरी टक्कर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, और हम 25 से 30 सीटें, पता नहीं ना जाने वो कहां से 25-30 सीटें आ रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप जनता के बीच में तो दिखाई नहीं दिए, तो ये चुनाव जो है बिल्कुल अलग था। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से लेकर के राज्य का जो नेतृत्व है, कार्यकर्ता सभी लोग मैदान में जनता के बीच में दिखाई दिए, लेकिन विपक्ष सिर्फ एक रैली अखिलेश यादव और राहुल गांधी की हुई वहीं पर दिखाई दिया, बाकी विपक्ष कहीं भी नहीं दिखाई दिया। ठीक है, तो उनका ये कहना है कि किसी भी तरह से विपक्ष एकजुट नहीं दिखाई दिया, तो ये कहीं ना कहीं अलग है पिछली बार के मुकाबले। जैसा कि मैं कह रही थी कि पिछली बार भी कुछ ऐसा खास विपक्ष की एकता नजर नहीं आई थी, और पिछली बार भी हमने देखा था, पिछली बार तो इससे भी ज्यादा मुझे विपक्ष वीक नजर आ रहा था। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। अभिमन्यु त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। अभिमन्यु जी, आज की 13 सीटों को लेकर हम बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कहां कहां पर चुनौती हो सकती है कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन जिसका मैं जिक्र करूंगी, तो आपको कहां कहां पर चुनौती लग रही है? जैसा कि अवनीश जी ने बोला कि नहीं, 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आ रही है। और एक सवाल मेरा अभिमन्यु जी आपसे ये भी कि अभी सौरभ जी ने कहा कि विपक्ष एकजुट इस बार नहीं दिख रहा है। देखिए, सबसे पहले ये बात जान लेनी जरूरी है कि जो पहले चरण से जहां चुनाव चालू हुआ था सहारनपुर से, तो वहीं से ही भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े तमाम नेता उनके चेहरे की रंगत उड़ गई थी। कहां ये बातें करते थे, दावे कर रहे थे कि 400 सीटें, कहां उत्तर प्रदेश के लिए दावे कर रहे थे कि 80 की 80 लोकसभा सीटें। तो पहला चरण बीता, दूसरा चरण बीता, तीसरे चरण में पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश कवर हो गया। अभी भी वो ये कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें आएंगी। अवनीश जी ने चाहता हूं कि उसके बाद ये अपनी पिच पर पहुंच गए, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद, और ये चुनाव में फंस गए। इनका परंपरागत जो वोट बैंक है, योगी जी को वहां जाना पड़ा, बार बार जाना पड़ रहा था। अमरोहा में तो उन्होंने मंच पर अपने मंत्रियों को, कुछ नेताओं को धमकाया भी, भीड़ ना होने की वजह से। और आप देखे राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी जहां पर भी गए, भीड़ खुद अपनी तरफ से आई, और वो कोई पेड़ भीड़ नहीं रही है। आप देखे, मैं खुद बनारस में रह, दिखाता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में फिर एक बार अच्छी सरकार को चुनने के लिए लोग वोट कर रहे हैं, और देश को आगे बढ़ाने के लिए उनका सहयोग और वोट मिलेगा। और आशा करता हूं सातवें चरण में, सातों चरणों की सबसे ज्यादा वोटिंग सातवें चरण में हो। तो अभी अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में। आज कंगना रनौत जहां से प्रत्याशी हैं वहां पर भी वोटिंग हो रही है, मंडी लोकसभा सीट पर। फिलहाल हमारे गेस्ट जुड़े हुए लगातार हमारे साथ, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वोट डाला है, इसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया है, लोगों से भी मतदान करने की उन्होंने अपील की है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज गोरखपुर में मतदान किया, आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत के निर्माण के लिए आप सभी मतदान अवश्य करें, जय हिंद। ये सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो चलिए गेस्ट का रुख करते हैं एक बार फिर से, गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप बता रहे थे कहां कहां पर इंडी गठबंधन को चुनौती लगती है और क्यों विपक्ष इस बार भी एकजुट नहीं है पिछली बार की तरह। कहां एकजुट नहीं, सौरभ जी ये कह देना चाहते हैं। देखिए सौरभ जी की अपनी मजबूरियां होंगी, हमारी, हम पार्टी की तरफ से बैठे हुए हैं, तो क्या सिर्फ फुटबॉल हो रहा है कहीं विपक्ष के लोगों के बीच में? तो सौरभ जी बताएं, कहीं मारपीट हो रही है कार्यकर्ताओं के बीच में हो रही है? ये चंडू खाने की बातें करने देखिए कोई फायदा नहीं है। आज आखिरी चरण की चुनाव चल रहा है, बड़ी गंभीरता से बात करनी चाहिए। बड़ा मंच है आपके चैनल का, तो गंभीरता से बातें होनी चाहिए। आज से पहले के चरणों में जहां जहां चुनाव हुआ तो चेहरे की रंगत उड़ गई, कहने लगे बयान में, मंगलसूत्र भी लेकर आए, भैंस भी लेकर आए, यह भी कहा कि जो पड़ोसी देश है वो चाहता है कि विपक्ष जीते, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान का, अयोध्या के मंदिर जो निर्माण हो रहा है उसके लिए कहा कि अगर कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस तो पार्टी कहाँ है? आप खुद देखिए ना, चलिए अब इस बार आप चुनाव में हैं, इस बार इंडी गठबंधन के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कहाँ है? मात्र एक सीट थी, आप देखिए जीत रहे हैं। आप जनता के बीच में जाइए ना, आप, मैं खुद बनारस की बात कर रहा था, ये गंगा सफाई की बात करते हैं, आज भी 80 नाले गंगा में गिर रहे हैं, वहां स्नान करना तो दूर की बात है, आचमन करना भी भारी हो रहा है,
तो बनारस का जो साड़ी उद्योग है वो चौपट हो चुका, क्योंकि महंगी बिजली, गलत तरह से लगाया हुआ टैक्स। आज सूरत की साड़ियां बनारस के नाम पर बिक रही है जिसमें चाइना का धागा है। तो चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। नौजवान इस सरकार से नाराज है, पर्चा लीक से नाराज है, अग्निवीर से नाराज है, ठीक है, गृहिणी नाराज है, किसान नाराज है, एमएसपी मिल नहीं रही है बिल्कुल। और जनता की अगर नाराजगी होगी तो वो नतीजों में दिखी जाएगा, 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। इसी पर मैं रिएक्शन ले लेती हूँ जल्दी से अवनीश जी का। अवनीश जी वो कह रहे हैं कि पहले तो शुरू शुरू में आप 80 सीटों की बात कर रहे थे, 400 पार का नारा आपका चल रहा था, धीरे धीरे वो चीजें कम हो गई, क्या ऐसा हुआ आखिरी चरण आते आते आपने अपनी सीटों का जो टारगेट लिया हुआ था वो टारगेट आपने कम कर दिया, क्या ऐसा हुआ अवनीश जी? बिल्कुल नहीं, जो टारगेट पहले था वो टारगेट अब है, और वो टारगेट को पार करने में जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। जो हाहाकार हाहाकार की बातें मेरे कांग्रेस के भाई कर रहे हैं, हाहाकार विपक्ष के खेमे मचा है, हाहाकार उस गठबंधन में बचा है जो अवसरवादी था, जो परिवारवादी था, जो मौका परस्त था, जो सत्तावादी था, जो सत्ता के जोड़ तोड़ के लिए कुछ भी कर सकता था, वहां हाहाकार मचा है। वहां बेरोजगारी है, उनके काम धंधे चौपट हो चुके हैं, उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे, उनको पहले चरणों की बात कर रहे हैं, उनके पहले चरण के 2 चरणों 3 चरणों में तो उनके नेताओं को हिम्मत नहीं हो कि वो जनता के बीच जाके सभा कर पाए। तो हालात उनके ऐसे हैं, उनके हालात खराब हो चुके हैं। हम उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं, और 80 सीटें जीतने के साथ साथ 400 पार का जो लक्ष्य रखा है वो 4 जून को साकार हो रहा है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर तीसरी बार भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। विपक्ष के पास जो 17 में पहले भी गठबंधन 2 लड़कों का हो चुका था, 2 लड़कों की फिल्म पहले भी पिक चुकी थी, अब ये लड़के नहीं, ये बुजुर्ग हो गए हैं, फिर ये अब फिर चौबीस पिटने जा रहे हैं। जनता जो भी जनादेश होगा।